हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ 12 फ़ोन है, तो IQ 12 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस के जरिए कैसे आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं IQ 12 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और आप इस ऑप्शंस के जरिए फ़ोन की स्क्रीन वगैरह को कैसे रोटेट कर सकते हैं IQ 12 फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं और स्क्रीन को रोटेट कैसे कर पाएंगे IQ 12 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं एंड आप स्क्रीन रोटेट कैसे कर पाएंगे IQ 12 फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं और स्क्रीन रोटेट कैसे कर सकते हैं, तो ऑटो रोटेट स्क्रीन के जरिए आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग्स पे चले जाना है, जहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन जैसे आपको नहीं मिलता है रोटेट स्क्रीन का, तो सिंपली फिर आपको स्लाइड करके शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे चले जाना है। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे जाकर आपके पास एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स भी आ जाएगी, जिसके जरिए ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस के जरिए स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। एंड आप देखते हैं कि सिस्टम कंट्रोल्स पे जाते हैं, तो यहाँ से आपके पास ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन आ जाएगा, जिसको आप कुछ इस तरीके से ऑन कर सकते हैं और ऑन करके इसके जरिए स्क्रीन को किसी भी एंगल में रोटेट कर पाएंगे। और स्क्रीन को रोटेट करके स्क्रीन को भी बदल सकते हैं आप चाहें तो। एंड आप ऑफ कर देंगे तो आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है आपके फ़ोन में रोटेट नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ करके स्क्रीन रोटेट कर सकते हैं IQ 12 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।